हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू जस्ट जर्मन थिंग्स। मेरा नाम नंदनी है और मैं जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में एक शहर है उसमें रहती हूँ। एंड आई मेक वीडियोस ऑन लाइफ इन जर्मनी। सो आज मैं बात करना चाहती हूँ अपार्टमेंट्स के ऊपर। अगर आप जर्मनी आ रहे हैं और आपको अपार्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रियलिटी चेक मैं आपको दे देती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ आएंगे और आते ही आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिकॉज जर्मनी में अपार्टमेंट ढूंढना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। सो पहले से ही मच इन एडवांस अगर आप इंफॉर्मेशन अपने पास रखेंगे और आप ढूंढना स्टार्ट करेंगे, तो ये बहुत सही रहेगा आपके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द वेबसाइट, आपको कौन सी जगह पे अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। सो इसके लिए कुछ फेमस वेबसाइट्स है, फॉर एग्जाम्पल इमो वेल्ट, इमोबिलियन स्काउट, वेगे गेजुक्ट, वेगे हियर इज डब्ल्यू जी गेजुक्ट, एंड XC24, एंड देर आर ऑल्सो समटाइम्स ऑप्शन ऑन क्लाइन ईबे क्लाइन अनसाइट। ओके, अगर आपको इन सब पे ऑप्शंस ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं समझ आता है, तो एक ऑप्शन और है कि आप सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडियंस इन जर्मनी, या अगर आप बर्लिन आ रहे हैं तो इंडियंस इन बर्लिन या इंडियंस इन म्यूनिक, आप वो वाले ऑप्शंस, वो वाले पेजेस ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फेलो इंडियंस हेल्प यू आउट, उनके पास उनको कोई ऑप्शन पता होता है तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो इन ऑप्शंस के बाद ये वाला ऑप्शन भी आपके पास रहता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्ट कीजिए। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन जितना आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, चांसेस आर दैट यू विल फाइंड द अपार्टमेंट इन ईजियर वे। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज थिंग्स टू लुक फॉर। अगर आप वेबसाइट्स पे अपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जर्मन नहीं भी आती, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। सो सिंस आई एम अ जर्मन टीचर बाई प्रोफेशन, मैं आपको कुछ वर्ड्स बताती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए, जिनका इंग्लिश में मीनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस बिटवीन काल्ट मीटर एंड वार्म मीटर। सो अगर आप जब भी देखेंगे, आपको रेंट में ये दो वर्ड्स हमेशा दिखेंगे, मीटर मीन्स रेंट एंड काल्ट मीटर इज कोल्ड रेंट एंड वार्म मीटर मीन्स वार्म रेंट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काल्ट मीटर एंड वार्म मीटर। सो कोल्ड रेंट होता है आपका जो आपके अपार्टमेंट का रेंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट का रेंट है। पर अगर आप इसी कोल्ड रेंट में नेबन कॉस्टन मिला दें, नेबन कॉस्टन मीन्स जो बाकी की चीज़ें होती हैं, जैसे हीटिंग हो गई या फिर और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, अगर उनकी कॉस्ट मिला दें, तो वो मिलके बनता है वार्म मीटर, जो आपका फाइनल रेंट होगा। सो अगर आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि काल्ट मीटर कम है और ये मुझे पे करना है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको फाइनल रेंट जो पे करना पड़ेगा उसको बोलते हैं वार्म मीटर। सो आपको ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली एट द एंड कितना अमाउंट पे कर रहे हैं उस अपार्टमेंट के लिए। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक और अमाउंट है जो पे करना पड़ेगा, जिसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं। जर्मन में उसको बोलते हैं काउसियोन, विच इज़ KAUTION। काउसियोन इज़ एक्चुअली योर सिक्योरिटी अमाउंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वो दो महीने की सिक्योरिटी मांगेंगे, या हो सकता है 3 महीने की भी सिक्योरिटी मांगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको इसका भी मीनिंग पता हो। इट इज़ वन टाइम मनी, जैसे इंडिया में सिक्योरिटी एक बार जाती है, तो अगर आप छोड़ते हैं तो वो मिलती है। सो आपको अपना घर बहुत मेंटेन करके रखना है और फिर आपको वो सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी जब आप वो छोड़ेंगे तो। सो अगर आप कहीं पे विजिट के लिए जा रहे हैं, जैसे उससे पहले आपको क्या करना होगा कि इन वेबसाइट्स पे आपको एक मैसेज ड्रॉप करना होगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। फिर वो आपको कोई अपॉइंटमेंट देते हैं, अपॉइंटमेंट को जर्मन में टर्मीन बोलते हैं। सो मेक श्योर कि आप टर्मीन पे जा रहे हैं तो आप बहुत पंक्चुअल हैं, बिकॉज जर्मनी में पंक्चुअलिटी इज़ द की टू सक्सेस। मतलब अगर आप पंक्चुअल नहीं हैं तो यहाँ पे पहले ही लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर पंक्चुअल। तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो डोंट बी शॉक्ड अगर आप उस टाइम पे एक अपार्टमेंट को देखने बहुत सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि वो आपको बुला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टाइम सिर्फ आपके लिए है। एंड देयर इज़ अ फनी स्टोरी ऑल्सो, एक बार जो बर्लिन में एक अपार्टमेंट इतने अच्छे रेट पे मिल रहा था कि एक दिन में 1800 लोग इकट्ठे एक टाइम पे आ गए थे उसको देखने के लिए। सो ऐसा हर रोज़ नहीं होता है ऑब्वियसली, बट आप अगर देखेंगे तो और लोग भी आए हुए हो सकते हैं। आपको एक फॉर्म भरना पड़ सकता है, आप वो फॉर्म भर के देंगे, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। देन जो फर्मीटर है, फर्मीटर मीन्स लैंडलॉर्ड। सो लैंडलॉर्ड हैज़ द चॉइस कि वो आप सबके डॉक्यूमेंट्स को देखे एंड देन फाइनली डिसाइड करे कि वो किसको वो अपार्टमेंट देना चाहते हैं। सो अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो घर मिल गया है। अपॉइंटमेंट्स के बाद भी बहुत रिजेक्शंस आते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यू कीप ट्राइंग, आप गिव अप ना करें, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस।
ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इन एडवांस कि अगर आप कोई घर ले रहे हैं तो आप शॉक मत हुई कि आपको अगर नॉन फर्निश्ड घर बिल्कुल खाली मिला. फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में जब हम घर देखने गए थे हमारे पूरे घर में एक सिंगल लाइट भी नहीं थी. बिकॉज नॉन फर्निश्ड मीन्स नॉन फर्निश्ड, मतलब अनफर्निश्ड है तो उसमें कुछ नहीं होगा अंदर, आपको अपनी लाइट्स भी खुद लगानी पड़ेगी. एंड ये भी हो सकता है कि आपके अपार्टमेंट में किचन हो ही ना. सो किचन, यहाँ पे किचन का कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव इन इंडिया. बिकॉज हम क्या करते हैं यहाँ पे, इंडिया में हमारा किचन पार्ट होता है अब घर का, पर यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि किचन जो है वो आपको अलग से खरीदनी पड़ती है. तो अगर वहाँ पे, अगर आप जब वेबसाइट्स पे देख रहे हैं, एक वर्ड है EBK. सो EBK इन जर्मन मीन्स Einbauküche. सो Einbauküche मीन्स दैट द किचन इज इनबिल्ट. तो अगर वहाँ पे लिखा है कि किचन इनबिल्ट है तो मतलब उसके अंदर किचन उसका पार्ट है. पर अगर वहाँ पे ये नहीं लिखा तो प्रोबेबिलिटी है कि उसका किचन पार्ट नहीं है, आपको किचन खुद से खरीदनी पड़ेगी. या ये हो सकता है जो पुराना टेनेंट है वो आपको अपनी किचन बेचने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में बेचने के लिए रेडी है. सो वो किचन आप खरीद के आपकी हो सकती है, जो आपको वन टाइम अमाउंट में भी पे करना पड़ेगा उस किचन का. सो दिस इज ऑल्सो न्यू एंड दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल लुकिंग फॉर अपार्टमेंट्स. अदर देन दैट देर इज़ वन मोर थिंग, अगर आप बाथ टब में नहाने में कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज़ ये भी चेक कर लीजिए कि बाथ टब में, बाथरूम में क्या है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारे हाउसेज ऐसे हैं जिसमें सिर्फ बाथ टब है, दैट मीन्स बाथ टब के बाद उसमें कोई शावर नहीं है. सो अगर बाथ मिट वाना लिखा है, बाथ वाना विच मीन्स बाथ टब, तो इसका मतलब कि वहाँ पे बाथ टब है. अगर वहाँ पे डूशा लिखा है, डूशा विच मीन्स शावर, तो इसका मतलब उस बाथरूम में शावर भी है. तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो ऑब्वियसली आपको एक आइडिया हो जाएगा व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर. अदर देन दैट देयर इज़ वन मोर थिंग, बालकनी. यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हर घर में आपको बालकनी मिलेगी. अगर आपको बालकनी वाला घर चाहिए तो आपको अगेन एक अनदर वर्ड जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ बालकॉन. सो अगर आपके घर में बालकॉन है तो वो लिखा होगा, उस पर मैंशनड होगा कि बालकॉन है या नहीं है. एंड केलर, अगर आपको स्टोर रूम चाहिए, बहुत सारे घर में यहाँ पे क्या होता है, बेसमेंट में स्टोर रूम होता है जिसमें आप बहुत सारे अपने एक्स्ट्रा आइटम्स रख सकते हैं. सो अगर आपके उसमें डिस्क्रिप्शन में केलर लिखा है, सो दैट मीन्स कि आपके अपार्टमेंट में ये भी अवेलेबल. इसके बाद एक और वर्ड है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है द वर्ड फॉर लिफ्ट. सो लिफ्ट को जर्मन में बोलते हैं आउफसुक. सो अगर आप मान लीजिए कोई अपार्टमेंट देख रहे हैं फोर्थ फ्लोर पे, तो यहाँ पे बहुत घर पुराने होते हैं, तो यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस घर में फोर्थ फ्लोर में भी कोई लिफ्ट ना हो. सो आप ये चेक कर लीजिए कि वो आउफसुक ये वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है, जिससे कि बाद में आप शॉक्ड ना हो. और अगर आप फैमिली के साथ हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं, सो ऑब्वियसली इट इज़ बेटर कि आप ऐसा घर देखें जो कि ग्राउंड फ्लोर पे हो. क्योंकि यहाँ पे ऑल्दो दिस कंट्री इज़ वेरी फ्रेंडली टू किड्स, बहुत ही किड्स फ्रेंडली कंट्री है, बट कभी कभी नेबर्स कैन कंप्लेन अगर यहाँ पे फ्लोर्स जैसे होते हैं, अगर आपके बच्चे कूद रहे हैं और नीचे आवाज़ आ रही है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं कि इट इज़ टू लाउड फॉर देम और दे कैन नॉट स्लीप और वर्क. सो ऐसे केसेस में बहुत लोग जिनके घर में बच्चे होते हैं वो प्रिफर करते हैं कि वो ग्राउंड फ्लोर वाले घर लें, और दैट मेक्स देयर लाइफ ईजी. वन मोर थिंग, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, इन सब को लेके भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है. बहुत सारे घरों में वॉशिंग एरिया होता है तो आप अपनी वॉशिंग मशीन वहाँ रख सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत बार वॉशिंग मशीन वॉशरूम में या फिर किचन में भी होती है. सो डोंट बी सरप्राइज इफ़ यू सी दैट, बिकॉज बहुत सारे किचन्स में भी एक एरिया होता है पर्टिकुलर जिसके अंदर वॉशिंग मशीन फिट हो जाती है. सो ये सब चीज़ें मैंशन होंगी हमेशा उस पर कि ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं या ये खुद खरीदनी है, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना फाइनल पड़ता है रेंट. ओके, कुछ घर में ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे वॉशिंग एरिया नहीं हो तो वो आपको बोलें कि वॉशिंग मशीन आप अपनी लो पर उसको बेसमेंट में रखो. तो इसका मतलब ये है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाएगा, वॉशिंग एरिया बेसमेंट में, तो आपको कपड़े धोने वहाँ से नीचे बेसमेंट में जाना पड़ेगा एवरी टाइम. सो ये भी पॉसिबिलिटी है, टोटली डिपेंड्स ऑन द अपार्टमेंट. सब अपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं. जैसे हमारे घर में वॉशिंग एरिया अलग है, सो उसके अपने फ़ायदे हैं, बट डिपेंड्स कि आप कितना पैसे पे करने के लिए रेडी हैं, कितना एरिया आपको मिल रहा है. सो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. ओके, एक और चीज़, अब मैं अगर टोटल अमाउंट की बात कर रही हूँ तो एक ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो हीटिंग चार्जेस हैं वो नेबन कॉस्टन में इंक्लूडेड ना हो. नेबन कॉस्टन, एज आई टोल्ड यू, मेंटेनेंस चार्जेस,
कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वो उसमें इंक्लूडेड है ही नहीं, तो उसमें लिखा होगा हाइटसोंग विच मीन्स हीटिंग, तो उसके चार्जेस अलग भी हो सकते हैं और उसके अंदर इंक्लूडेड भी हो सकते हैं। और जर्मनी में घर में हीटिंग चाहिए चाहिए, बिकॉज एज यू नो इट्स अ वेरी कोल्ड कंट्री, तो यहाँ पे हीटिंग के बिना काम नहीं चलेगा और हाइटसोंग यहाँ का पार्ट होता है। पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे समर्स में पंखे होंगे, तो यहाँ पे सीलिंग फैंस नहीं होते। और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और अगर ये पॉसिबिलिटी है, तो आप इंडिया से मे बी टेबल फैंस ला सकते हैं या फिर आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, बट सीलिंग फैंस आपको यहाँ पे जर्मनी में नहीं मिलेंगे। हीटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अपार्टमेंट। देर इज़ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ लोकेशन। अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आप बहुत कन्फ्यूज हैं कि मैं कौन सी लोकेशन में रहूँ, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस चीज़ में थोड़ी फ्लेक्सीबल रहें, बिकॉज बहुत लोग कहते हैं कि हमें सिटी सेंटर में ही रहना पसंद है और बिकॉज ऑफ एडवांटेजेस। बट यहाँ पर जर्मनी में क्योंकि पब्लिक कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि अगर आप सिटी सेंटर में नहीं भी रह रहे हैं, थोड़ा आस पास के एरियाज में रह रहे हैं, इट इज़ टोटली फाइन, बिकॉज हर डिस्टेंस पर आपको या तो बस स्टॉप या ट्राम स्टॉप, बिग आई एम टॉकिंग अबाउट बिग सिटीज़ राइट नाउ, सो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे मिल सकता है। सो जैसे हमारे इंडिया में होता है, ऐसे बहुत सारी एरियाज़ होते हैं, नेबरहुड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द्वारका है, इस तरीके से यहाँ पे भी एरियाज़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं फियटल। सो फियटल मीन्स अ पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट में बॉकनहाइम, बॉर्नहाइम, ये सब नेबरहुड्स हैं। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं कि आप उस एरिया में रहेंगे तो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, सो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि वेयर यू वुड लाइक टू स्टे। एंड सो अगर आपको ऑफिस जाना है और अगर आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि मेरे ऑफिस का रास्ता बहुत पास हो, तो आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्यूट करना इज़ नेवर अ प्रॉब्लम हियर। ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा एक घंटे में अपने वर्क प्लेस पर पहुँच जाएंगे। सो वॉट मैटर्स इज़ कि आपके आस पास सुपर मार्केट्स हैं या नहीं हैं। सुपर मार्केट्स लाइक आल्डी, लिडल, थैनी, रेवे, ये सब सुपर मार्केट में से कोई एक सुपर मार्केट अगर आपके पास में है, सो दैट्स गुड। कोई प्ले ग्राउंड है अगर आप किसी बच्चे के साथ हैं तो पास में है, ये भी बहुत मैटर करता है। सो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और आप थोड़ा सा लोकेलिटीज़ को लेके अगर फ्लेक्सिबल रहेंगे तो थोड़ा सा ईजी रहेगा आपके लिए अपार्टमेंट ढूंढना। सो द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मैंशन इज़ अबाउट जर्मन लैंग्वेज। इफ़ यू आर मूविंग टू जर्मनी एंड यू नो ऑलरेडी अ लिटिल बिट ऑफ जर्मन, सो प्लीज़ मेक श्योर यू यूज़ दैट जर्मन वाइल गोइंग फॉर अपॉइंटमेंट्स। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप जा रहे हैं, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, पर अगर आप उनसे थोड़ी सी जर्मन में बात कर रहे हैं, सो देर आर चांसेस कि आपको वो अपार्टमेंट मिलने के मतलब मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली दे विल बी मोर कम्फर्टेबल इन टॉकिंग टू यू इन जर्मन। बट अगर आपको इंग्लिश आती है और जर्मन नहीं आती, तो यू कैन ऑलवेज से दैट सॉरी आई डोंट स्पीक जर्मन, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी दैट इन इंग्लिश। बट अगर आती है तो प्लीज़ डू ट्राई एंड टॉक इन जर्मन। दैट वॉज ऑल अबाउट फाइंडिंग अपार्टमेंट्स इन जर्मनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए टू जस्ट अंडरस्कोर जर्मन थिंग्स। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है जस्ट अंडरस्कोर जर्मन थिंग्स, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड आई मेक वीडियोज़ ऑन लाइफ इन जर्मनी एंड अबाउट जर्मन लैंग्वेज, अबाउट कमिंग टू जर्मनी। एंड अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है, कोई भी कॉमेंट्स है या कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे से मिस हो गई है, तो प्लीज़ मैंशन द कॉमेंट्स बिलो, आई वुड बी हैप्पी टू नो अबाउट दैट। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।